स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में राज्य स्तरीय स्वच्छता सेवा सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल आने वाले प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित कई नगरीय निकायों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के लिए मैं मुख्य रूप से सभी सफाई कर्मियों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। परिवेश को स्वच्छ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए और ताकत से जुटना है, जिससे 2020 के रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, विभाग के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, इंदौर की महापौर मालिनी गौड़, विधायक कृष्णा गौर, विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यास उपस्थित थे। जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में एक मुकाम हासिल किया है, प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और शहर को स्वच्छ बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है और देश में एक स्थान बनाया है, वो इंदौर हो, भोपाल हो, अन्य हो, सभी का यहाँ एक सम्मान का कार्यक्रम था। जनता का भी हमने अभिनंदन किया है और इस संकल्प के साथ के मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता में नंबर एक पर पहुँचे। इंदौर ने तो लगातार रिकॉर्ड स्थापित किया है, भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, बाकी शहरों ने भी चमत्कार किया है, लेकिन लगातार ये सिलसिला जारी रहे और ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर एक आए, इसका सबने संकल्प लिया है। मैं पुरस्कार पाने वाले सभी नगरीय निकायों को बधाई देता हूँ, वहाँ की जनता को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के एनजीओज को, आवास संघों को, नागरिकों को, टास्क फोर्स जैसी चीज़ें बना के काम में लगने वाले सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ इस संकल्प के साथ सबके कि अगली बार मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर एक बने, इसका प्रयास करेंगे। भोपाल से EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट।